प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं के परीक्षा परिणाम की मेरिट लिस्ट में आकांक्षी जिला चंबा के कई छात्र छात्राओं ने भी अपनी जगह बनाई है। छात्रों की सफलता से जहां माता पिता और गुरुजन उत्साहित है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इन बच्चों की उन्हें सम्मानित कर भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। परीक्षा परिणाम में कला संकाय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिल्ला घराट के चिंतन ने 500 में से 484 अंक लेकर मेरिट सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने वाले सभी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को दिया है। कल HP बोर्ड 12th का रिजल्ट आउट हुआ है और मेरी उसमें 6th रैंक आई है विद 97%। और इसके लिए मैं अपनी प्रिंसिपल सर श्री विकास महाजन जी और प्रीवियस प्रिंसिपल सर श्री राजेश सर, उनका भी थैंक यू करना चाहूँगी, और ऑल माय टीचर्स जिन्होंने इतने एफर्ट से इतनी अच्छी गाइडेंस दे के आज इस रैंक पर पहुँचाया, और माई पेरेंट्स। मैंने HP बोर्ड में 7th पोजीशन ग्रैब की है कॉमर्स स्ट्रीम में। मैं अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का और खासकर प्रिंसिपल सर का बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। सिर्फ उन्हीं उन लोगों की एफर्ट्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैंने गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा की है। मेरा हिमाचल में 7वां स्थान आया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे पढ़ाई में बहुत योगदान दिया है और मैं रोज़ कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता हूँ और मैं एक रूटीन बना के पढ़ता हूँ कि मतलब कभी बीच में ब्रेक नहीं दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैं इधर गांव से हूँ और गांव से जो बच्चे होते हैं उनको जैसे इतना मोटिवेट नहीं करते ना ही टीचर्स ना ही पेरेंट्स, बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मेरिट में आई। और मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं इतना नहीं पढ़ती थी ना ही 10th में ना ही 12th में, बट मैं जब 12th में आई तो मेरे को अच्छे टीचर्स मिले। और मैं औरों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे नहीं निकलते हैं, बट अगर टीचर अच्छे होंगे और आप पढ़ने वाले, अगर आपको है कि नहीं मैंने करना है, तो आप ऐसे मेरी तरह मेरे से भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। वहीं करिया वार्ड के जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने मेरिट लिस्ट में आने पर अपने वार्ड के दो विद्यार्थियों गीतान शर्मा और कामिनी ठाकुर को उनके घर जाकर मिठाई खिलाई और फूलमालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। हमारे ये छोटे भाई गीतान शर्मा, इन्होंने आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है चंबा का नाम रोशन किया है, और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि इन्होंने जो अभी 12वीं कक्षा का जिनका रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 7वां स्थान जो बनाया है। ये बड़े गौरव का विषय है कि हमारे एक जो जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा जिसे माना जाता है उसमें से इस तरह के हीरे जो आज चंबा से निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, इनके माता पिता को बधाई देना चाहेंगे, और खासकर इनके जो गुरुजन हैं जिनके जो मार्गदर्शन से और जिनके प्रयासों से जो ये आज यहाँ तक इस तरह की जो पोजीशन आज यहाँ बना पाए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे। वहीं नाहन के 3 बच्चों ने भी प्रदेश में टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर अपने स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कॉमर्स संकाय में AVN स्कूल नाहन के दिव्यांश अग्रवाल ने 3रा और माधव लोहिया ने 10वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा केयर अकेडमी के वैशाली शर्मा ने जीव विज्ञान में 10वां स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बच्चों की उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के साथ साथ उनके अध्यापकों और अभिभावकों को भी बधाई दी है। वहीं सभी छात्र छात्राओं ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने अभिभावकों और अपने अध्यापकों को दिया है।